नमस्कार, मैं दीति फौजर, आप देख रहे हैं हमारे साथ हमारा सेगमेंट सेहतनामा। आज हम बात करेंगे मीजल इन्फेक्शन के बारे में। दुनिया भर के विभिन्न देशों में कई बीमारियां लगातार कहर हो रही हैं। कोरोना महामारी में नए स्ट्रेन रहस्य में निमोनिया और इन्फ्लुएंजा के बाद अब मीजल ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। बीते कुछ दिनों में यूके में लगातार मीजल के मामले सामने आ रहे हैं, जो हेल्थ एक्सपर्ट्स के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं। इस बारे में WHO ने कहा है कि पिछले साल जनवरी और अक्टूबर के बीच यूरोप में मीजल के मामले 30,000 से ज्यादा थे। इस साल वो मामले तुलना 30 गुना बढ़ गए हैं। मीजल, इसके लक्षण और इसके जुड़ी हुई सभी बातें आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। मीजल इन्फेक्शन क्या होता है? मीजल बचपन में होने वाला एक संक्रमण है जो मीजल वायरस के कारण होता है। एक समय काफी आम मीजल को अब लगभग वैक्सीन से रोका जा सकता है। इसे रुबेला भी कहा जाता है और छोटे बच्चों के लिए गंभीर और घातक भी हो सकता है। मीजल के लक्षण आमतौर वायरस के संपर्क में आने से लगभग 10 से 14 दिन बाद दिखाई देते हैं। इसके लक्षण आमतौर पर निम्न शामिल होते हैं, जैसे कि बुखार, सूखी खांसी, बहती नाक, गला खराब होना, सूजी हुई आंखें, लाल दाने, त्वचा पर चरकते, मुंह के अंदर छोटे छोटे सफेद धब्बे। मीजल, जिसे खसका भी कहा जाता है, एक बहती संक्रमण बीमारी है। इसका मतलब यह है कि यह बहुत आसानी से दूसरों तक फैला जा सकता है। मीजल किसी संक्रमित बच्चे के नाक और गले में पाए जाने वाले वायरस के कारण होता है। चलिए जानते हैं कि कैसे फैलता है इन्फेक्शन। अब मीजल से पीड़ित कोई भी व्यक्ति खांसता या छींकता है तो उसके संक्रमण हवा में फैल जाते हैं, जिसकी वजह से ये संक्रमण की बूंदें लगभग एक घंटे तक हवा में रहती हैं। इसके कारण इनकी ड्रॉपलेट्स हवा में बहती हैं, तो लोगों को इससे संक्रमित कर देती है, जहां वे कई घंटों तक रहने से काफी लोगों में फैल जाती हैं। जब आप अपने मुंह या नाक को अपनी उंगलियां डालते हैं तो संक्रमित भी हो सकते हैं। इसे छूने से भी संक्रमित किया जा सकता है। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक बच्चों में मीजल से बचाव के लिए खसरे यानी कि मीजल का टीका लगवाना बेहद जरूरी होता है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे न्यूज अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल द नगरी न्यूज के साथ। धन्यवाद।